मित्रों नमस्कार। आज के विषय में एक मेरा अंग्रेजी का स्टेटमेंट है जो आपको तुरंत मिल जाएगा और हिंदी का स्टेटमेंट कोई पौन घंटे में लोड हो जाएगा हमारे वेबसाइट पर। मित्रों आज का एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि शिकागो की कोर्ट ने तहफुर हुसैन राणा को एलईटी का एक कॉन्स्पिरेटर पाते हुए भी डेनमार्क की एक आतंकवादी घटना में उनका इन्वॉल्वमेंट पाते हुए भी 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में उनको निर्दोष पाया है। आपको मालूम है कि इस ट्रायल में प्री बार्गेन के कारण डेविड हेडले ने बहुत सारे अपने टेस्टिमनी दी थी, गवाही दी थी, किस तरह के आईएसआई के कैप्टन इकबाल और बाकी पदाधिकारियों ने ट्रेन किया था, पाकिस्तान की नेवी ने भी आतंकवादियों को ट्रेन किया था, आप लोगों को यह मालूम है। अमेरिका में जो एफबीआई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इस पूरे मामले को प्रोसिक्यूट कर रही थी। आपको मालूम है कि लश्कर ए तैयबा इज ए बैंड, इंटरनेशनली बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये सवाल कुछ अजीब है कि लश्कर ए तैयबा से उनकी कॉन्स्पिरेसी पाई गई, डेनमार्क के एक बड़े आतंकवादी घटना में उनको इन्वॉल्व पाया गया, लेकिन 26/11 में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया, जबकि पूरे 26/11 की घटना को मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा ने किया था बाय प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ आईएसआई ऑफिशियल्स एंड पार्ट ऑफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, यू ऑल नो इट। हम भारत सरकार से सवाल करना चाहेंगे कि क्या भारत सरकार ने इस मामले की पूरी कोशिश की कि यह ट्रायल ठीक ठाक हो? डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर इन कोऑपरेशन विद एफबीआई एंड द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इन यूएसए दैट दिस ट्रायल टेक्स प्लेस प्रॉपरली एंड ऑल द प्रोसिक्यूशन एविडेंसेज आर प्रॉपरली प्रेजेंटेड? सभी जो अपराध के साक्ष्य थे उसको तरीके से प्रस्तुत किया जाए। द कंट्री इज सडनली इंटाइटल्ड टू नो वेदर द एक्विटल ऑफ तहफुर हुसैन राणा इन 26/11 मुंबई अटैक वॉज द पार्ट ऑफ ए डील बिटवीन द एफबीआई एंड द आईएसआई। देश को यह जानने का अधिकार है कि तहफुर हुसैन राणा को जो निर्दोष पाया गया 26/11 की मुंबई हमले में, वो क्या एफबीआई और आईएसआई के बीच में किसी साझा प्रयास के कारण हुआ है? यह बात जाननी बहुत जरूरी है और इसका खुलासा होना भी बहुत जरूरी है। जो मेजर इकबाल और उनके साथियों की बार बार बात आई, डेविड हेडली ने बताया किस तरह से राणा और डेविड हेडले ने यहां पर रेकी किया सारे मुंबई के आतंकवादी निशानदेही स्थानों का, और किस तरह से दे वर इन कॉन्स्टेंट टच विथ आईएसआई अथॉरिटीज हु वेयर डायरेक्टिंग देम इनटू द एंटायर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर अटैक। दिस इज नॉट एन इश्यू विच कैन बी हैंडल ओनली बाय मेजर लेवल ऑफिसर्स। सर्टनली ISI at a very high level and also part of military establishment was coordinating the entire show. Navy ने training दी थी, आपको मालूम है, बाद में कई चीजें सामने आई हैं। तो देश को यह जानने का अधिकार है और हम चाहेंगे कि इसमें जो आशंका है उसका निराकरण होना चाहिए। The serious apprehension and suspicion in this regard needs to be satisfactorily dispelled. ये सवाल आज उठाना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आपने देखा कि ओसामा बिन लादन को पाकिस्तान में वो मारे गए, इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर दूर वो रहते थे, एक आर्मी कैंटोनमेंट के बगल में रहते थे, और बाद में अमेरिका के द्वारा कहा गया कि इसमें अमेरिका के टॉप नेताओं का कोई हाथ नहीं है इनको प्रोटेक्ट करने। We saw a curious statement by the American leadership that in shielding Osama bin Laden in Abbottabad, the Pakistani top leadership is not involved.
this is a part of a pattern. Should we read this deal between the FBI and the ISI as a part of the same pattern? क्योंकि अगर ISI को ट्रायल में लाया गया होता तो ISI दुनिया के सामने एक्सपोज होती, एम्बेरस्ड होती। इसीलिए राणा के पूरे 26/11 के प्रकरण को ही संभवतः उचित सबूत नहीं रखे गए या प्रोसिक्यूशन ने कमजोरी दिखाई। हम भारत सरकार से अपील करेंगे कि इस पूरे मामले को बढ़िया से परखे और इस बात की कोशिश करे कि इस निर्णय के खिलाफ अपील होनी चाहिए ऊपर के कोर्ट में। एक बात मुझे और कहनी है कि मुंबई हमले में बहुत सारे विदेशी भी मारे गए थे, उसमें कई ज्यूज भी थे। उनके परिवारों के मित्रों ने न्यूयॉर्क के कोर्ट में एक डैमेज का केस फाइल कर रखा है जिसमें ISI के चीफ को समन हुआ है। ए सूट फॉर सीवियर डैमेजेस हैव बीन फाइल्ड बाय द रिलेटिव्स ऑफ द ज्यूज members who were killed in 14th and 26/11 attack, and the ISI chief have been summoned. We would request the government of India that please have a stake in the successful conclusion of this proceeding. Take Indian community on board, also Indian citizens who were killed, because this is a golden opportunity to expose the ISI before the bar of international justice. हम भारत सरकार से अपील करेंगे कि जो एक सूट चल रहा है न्यूयॉर्क के कोर्ट में डैमेजेस के लिए, जिसमें ISI के चीफ को समन किया गया है, उसके पूरे सफल निर्वहन में भारत सरकार सक्रियता से भूमिका निभाए, भारतीयों को जोड़े उसमें, संगठित करे, जो भारतीय मारे गए हैं उसमें उनको इन्वॉल्व करे, क्योंकि ISI के नापाक इरादों को दुनिया की न्याय प्रक्रिया के सामने एक्सपोज करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। भारत सरकार को यह समझना चाहिए कि देश के लोग अपेक्षा करते हैं कि 26/11 के अपराधियों को सजा मिले, ये जल्दी होना चाहिए। स्वयं चिदम्बरम साहब ने कहा है कि उसमें ISI का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। इनफ डिले हैज ऑलरेडी बीन कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम ट्रायल ऑफ कसब, रेस्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें भारत सरकार को गंभीरता से और प्रामाणिक पहल करनी चाहिए, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। हम ये बात आज इसलिए भी उठाना चाहते हैं कि भारत सरकार ने अभी 20-22 आतंकवादियों की सूची दी थी पाकिस्तान को, उनको वापस करने के लिए, और उसमें भारत की कितनी खिल्ली उड़ी ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वी विल अर्ज द वेरी एलोक्वेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट प्लीज टेक द जॉब मोर सीरियसली। आज आतंकवादी जो मुंबई के हमले में अपराधी हैं उनको दंडित किया जाए देश की अपेक्षा है, और भारत के सरहदों पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के गंभीर खतरों के द्वारा संकेत भी मिल रहे हैं। हम अपेक्षा करेंगे कि भारत सरकार इस दिशा में प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई करेगी ताकि देश सुरक्षित रह सके। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।